क्या होगा अगर गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस और इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? तो क्रेटोस ज्यूस का बेटा और गॉड ऑफ वॉर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है, और वो अपनी स्ट्रेंथ से ओडिन ज्यूस और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरकुलस तक को हरा चुका है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक इंडियन सुपर हीरो है, जो कि पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बींग ही था, जिसने कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को मैजिकल पावर्स मिली है। क्रेटोस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर शक्तिमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है, इसलिए शक्तिमान क्रेटोस के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सरवाइव कर सकता है। पर अगर संभव क्रेटोस अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से शक्तिमान के पूरी बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, क्योंकि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी अवेलेबल है, शक्तिमान इमॉर्टल है, और क्रेटोस चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, एटलीस्ट पूरे यूनिवर्स से 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब होगा पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। जिसके बाद शक्तिमान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ क्रेटोस पर अटैक करेगा, पर क्रेटोस एक गॉड है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, इसलिए वो भी शक्तिमान के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है। पर अगर शक्तिमान भी समूह अपने किसी सुपर पावरफुल अटैक से क्रेटोस को मार डालता है, फिर भी ये फाइट खत्म नहीं होगी, क्योंकि क्रेटोस के पास भी रीइंकार्नेशन की पावर है, जिससे वो मरने के बाद दोबारा से फिर से जिंदा हो सकता है। इसलिए क्रेटोस भी शक्तिमान के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकता है, और शक्तिमान के किसी भी अटैक का भी क्रेटोस पर कोई भी असर नहीं होगा। ये दोनों ही ना ही एक दूसरे को मार सकते हैं, ना ही एक दूसरे को हरा सकते हैं, और क्योंकि ये दोनों ही इमॉर्टल हैं, इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट लगातार इटर्निटी के लिए ऐसे ही चलती रहेगी, जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता या जिस प्लैनेट पे ये लड़ रहे हैं वो प्लैनेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। ये फाइट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, ब्रूटल और इंटरेस्टिंग होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और कई सालों तक ऐसे ही फाइट करता रहेगा। इसलिए इन दी एंड बात करें एंड रिजल्ट की, तो ये फाइट लगातार ऐसे ही इटर्निटी के लिए चलती रहेगी, जब तक इन दोनों में से कोई हार नहीं मान लेता, और फाइट का रिजल्ट डिपेंड करेगा कि पहले थकता कौन है। बाकी आपके हिसाब से इन दोनों में से पहले कौन थकेगा, कौन इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर हो सकता है, और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड thanks for watching.